हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे आप। मैं आपकी रेनु मैम, ब्रेन रूट सीरीज बाय अमित पब्लिशिंग हाउस, देववाणी संस्कृत पाठ माला भाग 4, सप्तदश पाठ, पाठ 17, 17। पाठ क्या है? रूपाणी। रूप के बारे में जानते हैं, शब्द रूप क्या होते हैं और धातु रूप क्या होते हैं, कौन कौन से शब्द रूप तो होते हैं, कौन कौन से धातु रूप होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। रूप बच्चों क्या होते हैं? रूप आपको स्वयं याद करने होते हैं। उसके लिए हम आपको केवल बता सकते हैं, आपको ये याद करने होंगे कौन से विभक्ति में, कौन कितने तीन वचनों में कौन कौन से रूप चलते हैं। संज्ञा शब्दों के रूप हैं बच्चों यहाँ पर, जैसे यहाँ बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बालक, अध्वनि निकल रही है, तो बालक शब्द के सातों विभक्ति में तीनों वचनों में इस प्रकार रूप चलेंगे। बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम्, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन क्या है? हे बालकः, हे बालकौ और हे बालका। जैसे अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द के रूप है, उसी प्रकार नर, ईश्वर, मयूर, नृप, जितने भी अकारांत पुल्लिंग हैं उनके इसी प्रकार रूप चलेंगे। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जैसे राम के चलेंगे तो राम है रामौ रामः, रामम रामौ रामान, इसी प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप इसी प्रकार चलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, ये है बालिका आकारांत। आकारांत बालिका के रूप कैसे चलेंगे? आकारांत जितनी भी स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके रूप चलेंगे बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकी भी, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकायः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। षष्ठी विभक्ति में बालिकायाः, बालिकयो, बालिकानाम। सप्तमी विभक्ति में बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु। और संबोधन हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। तो इस प्रकार आकारांत स्त्रीलिंग जितने भी शब्द होंगे, जैसे गंगा है, कन्या है, रमा है, पाठशाला है, विद्या है, इनके रूप भी इसी प्रकार चलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारा पुस्तक अकारांत नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में पुस्तक अ अकारांत है, लेकिन नपुंसक लिंग है क्योंकि पुस्तक नपुंसक लिंग है, उसके रूप चलेंगे सातों विभक्ति में। किस प्रकार चलेंगे? पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, दोनों में एक से चलेंगे। तृतीय विभक्ति में पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकै, पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य। पंचमी विभक्ति में पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य। षष्ठी में पुस्तकस्य, पुस्तकयो, पुस्तकानाम। सप्तमी विभक्ति में पुस्तके, पुस्तकयो और पुस्तकेषु। इस प्रकार अकारांत नपुंसक लिंग जो भी शब्द होंगे, जैसे कि बच्चों फल है, उद्यान है, वस्त्र है, पुष्प है, जल है, ये सब नपुंसक लिंग है, अकारांत है, उनके रूप भी ऐसे ही चलेंगे। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, जैसे वस्त्र है वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणी, वस्त्रकेण वस्त्रेण, वस्त्र वस्त्राभ्याम वस्त्रै, वस्त्राय वस्त्राभ्याम वस्त्रेभ्य, वस्त्रात् वस्त्राभ्याम वस्त्रेभ्य, वस्त्रस्य वस्त्रयो वस्त्राणाम, वस्त्रे वस्त्रयो वस्त्रेषु। इसी प्रकार जितने भी आपके अकारांत नपुंसक लिंग शब्द हैं उनके रूप ऐसे ही चलेंगे। अब यहाँ हमारे नेक्स्ट है बच्चों कवि शब्द। कवि ई इकारांत है और पुल्लिंग शब्द है कवि, तो उसके रूप कैसे चल रहे हैं? सात विभक्ति में संबोधन के साथ कवि, कवि, कवयः, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभि, कवये, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कविभ्याम, कविभ्य, कवे, कवयो, कवीनाम, कवौ, कवयो, कवीषु और हे कवे, हे कवि और हे कव्ये। और इस प्रकार बच्चों इकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप जैसे कि नृपति,
या कि जलधि या मुनि या पति या रवि या कि हरि अरि शत्रु के रूप में उनके रूप भी इसी प्रकार चलेंगे, बस शब्द बदल जाता है, बाकी सब रूप ऐसे ही चलेंगे। अभ्यास कर रहे हैं हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों हमें। यहाँ कुछ छात्र शब्द के रूप हैं जिनको कि हमें रिक्त स्थानों में विभक्ति के अनुसार उनको पूरा करना है। प्रथमा विभक्ति में यहाँ दिया हुआ है छात्र, द्वितीय में द्विवचन में हमको छात्रऊ, ये छात्रा है, छात्र है, छात्रऊ, छात्रा। अब इन्होंने पूछा है द्वितीय विभक्ति में छात्रम, छात्रऊ, छात्रान। तृतीय विभक्ति में छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रै। चतुर्थ विभक्ति में छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। पंचमी विभक्ति में छात्रात, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य। षष्ठी विभक्ति में छात्रस्य, छात्रयोः, छात्रणाम। सप्तमी विभक्ति में छात्रे, छात्रयो, छात्रेषु। संबोधन में करेंगे हम हे छात्र, हे छात्रौ और हे छात्रा। तो इस प्रकार बच्चों हमने छात्र शब्द के रूप पूर्ण किए। इसको छात्र शब्द के रूप जब आप याद कर, जब अकारांत पुल्लिंग कोई भी शब्द आप याद कर लेंगे तो आपको वो रूप आराम से आप उसको पूरा कर सकेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2। नीचे लिखे वाक्यों शब्दों का को निर्देशानुसार लिखना है। नीचे लिखे हुए शब्द जैसे उदाहरण के लिए पुल्लिंग कौन कौन से हैं, स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं और नपुंसकलिंग क्या क्या है। ये जो हमें दिया हुआ है एक अभ्यास, इसमें एक कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं, जैसे मयूर है, पुल्लिंग है मयूर, और पुल्लिंग क्या है देखते हैं इधर, वानर पुल्लिंग है ना, छात्र पुल्लिंग है, मयूर है तो लिखा हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट में है बच्चों फिर स्त्रीलिंग में, जैसे चटका लिखा है इन्होंने, फिर कोकिला, ये आप खुद भी स्वयं भी कर सकते हैं इसमें स्त्रीलिंग निकाल के, और मक्षिका स्त्रीलिंग है मक्खी, और बालिका, और पिपीलिका, और शाखा। अब यहां है नपुंसकलिंग, जलम है दर्पणम, फलम पुष्पम, ये हमारे नपुंसकलिंग है। यहां दर्दुर भी मेंढक पुल्लिंग है। तो इस प्रकार बच्चों यहां से शब्द छाटकर में कौन कौन से लिंग में, कौन कौन से पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं, स्त्रीलिंग में कौन कौन से आ रहे हैं और नपुंसक लिंग में कौन कौन से आ रहे हैं, ये हमने शब्द छाटे। एक्सरसाइज नंबर 3 बच्चों, नीचे दिए हुए कुछ शब्द हैं उनकी विभक्ति लिंग और वचन बताने हैं। जैसे छात्रात, ये पंचमी विभक्ति है, पुल्लिंग है और एक वचन है। ग्रहेण तृतीय विभक्ति है, नपुंसक लिंग है और एक वचन है। कमलई इसमें तृतीय विभक्ति है, नपुंसक लिंग है और बहुवचन है। नेत्राभ्याम तृतीय विभक्ति, पुल्लिंग और द्विवचन है। पादई इसमें तृतीय विभक्ति है, पुल्लिंग है और बहुवचन है। तो इस प्रकार हमने कुछ शब्द जो आए उनकी विभक्ति, उनके वचन और उनके लिंग के बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 4, गुरु शब्द के रूप लिखने हैं बच्चों। गुरु शब्द के रूप लिखे हमने 7 विभक्ति में और 3 वचनों में। गुरु गुरु गुरुवः, गुरुम गुरु गुरुन, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरो गुरुभ्याम गुरुभ्य, गुरवो गुरवो गुरुणाम, गुरौ गुरवो गुरुषु, हे गुरु हे गुरु हे गुरुव। तो इस प्रकार हमने यहाँ गुरु शब्द के रूप के बारे में जाना। साधु शब्द के रूप भी ऐसे ही चलेंगे, जितने भी उकारांत शब्द के रूप हैं पुल्लिंग वो ऐसे ही चलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5 है बच्चों हमारे, निम्नलिखित शब्दों के जो कोष्टक में सामने दिया हुआ है वो सही है या गलत है इसके बारे में हमें बताना है। जैसे इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, जैसे विभक्ति बताई है, वचन बताया है और शब्द बताया है, कि वो शब्द क्या सही है उस विभक्ति में। जैसे नेत्र शब्द
इन्होंने बताया है तृतीया एक वचन है नेत्राभ्याम, क्या ये सही है? नहीं, नेत्राभ्याम तृतीया एक वचन में नहीं होता। दूसरा है फिर हमारा रामेभ्य पंचमी बहुवचन में, ये सही है, पंचमी बहुवचन में रामेभ्य होता है। फिर है हमारा नेक्स्ट ग्रामम द्वितीय एक वचन, ग्रामम द्वितीय एक वचन सही है, ग्रामम ही आता है। और फिर हमारा नदी नदीभ्य चतुर्थी बहुवचन, क्या ये सही है? ये सही है, चतुर्थी बहुवचन में हमारा नदीभ्य आता है। फलानी फल शब्द के फलानी रूप द्वितीय बहुवचन में है, ये प्रथमा और द्वितीय दोनों में है फलानी बहुवचन में, तो ये सही है। रमा शब्द द्वितीय द्विवचन में रमे होता है, ये सही है। फिर हमारा रिपवय शब्द द्वितीय बहुवचन में होता है, नहीं, ये प्रथमा बहुवचन में होता है रिपवह। तो इस प्रकार बच्चों हमने जाना गुरु शब्द के रूप के बारे में जाना और कौन सा शब्द ये सही था इसके बारे में जाना। एक्सरसाइज नंबर 6 रूप लिखने हैं। छात्र शब्द तृतीय एक वचन में छात्रेण, जनक शब्द षष्ठी एक वचन में जनकस्य, राम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में रामात, गुरु शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में गुरुवे, जल शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन जलेषु, रमा शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन रमायै, वारी शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन वारिणाम, मति शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन मत्या, मुनि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन मुनि नाम। तो इस प्रकार जो विभक्ति और वचन दिया है हमने उनका बच्चों रूप में ऐसे लिखा है, और आपको जब रूप याद हो जाएंगे तो आप इस प्रकार रूप आसानी से कर सकेंगे। और हमने शब्द रूप के बारे में ही जाना है आज। तो बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में हम आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आभार।